इंदौर के पीथमपुर की मोटर कंपनी से सेवानिवृत्त हुए एक वृद्ध के साथ 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। राज्य साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई है। रुपए बेहद ही शातिराना तरीके से निकाले गए हैं। ठग ने बैंक में लिंक मोबाइल नंबर बदल दिए थे। शक है रुपए निकालने में जानकार ही शामिल है। पुलिस ने बैंक से जानकारी मांगी है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग को सेवानिवृत्त होने पर करीब 22 लाख रुपए मिले थे। बुजुर्ग की जीवन भर की पूंजी सीधे बैंक में जमा हुई थी। कुछ दिन पूर्व जब वे पासबुक अपडेट करवाने बैंक पहुंचे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने शिकायत करते हुए एसपी जितेंद्र सिंह से कहा कि एटीएम कार्ड व चेक तो उनके पास ही है, फिर भी बैंक से रुपए कैसे निकल गए। पुलिस ने बैंक से जानकारी मांगी तो पता चला कि ठग ने बुजुर्ग के खाते से लिंक मोबाइल नंबर बदल दिए थे। इस कारण ट्रांजैक्शन का मैसेज नहीं पहुंचा और ठग रुपए निकालता गया। पुलिस को यह भी शक है कि वारदात में किसी परिचित का हाथ हो सकता है जो खाता नंबर व मोबाइल नंबर जानता हो। उसे यह भी पता चल गया था कि खाते में 22 लाख रुपए आए हैं।